नमस्कार गुड मॉर्निंग अर्गो सुपरफास्ट सहित मु स्वप्ना आरंभ करबा खबर अभियान आज मध्यप्रदेश स्वामित्व योजना हिताधिकारी आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्याह्न वीसी माध्यम हिताधिकारी बांटे ई प्रॉपर्टी कार्ड कार्यक्रम में उपस्थित रहिबे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यही अवसर में प्रधानमंत्री 171,000 हिताधिकारी ई प्रॉपर्टी कार्ड बंटन करेंगे। स्वामित्व योजना पंचायतराज मंत्रालय एक केन्द्र क्षेत्रीय योजना ग्रामीण आवश्यक योजना निवासी संपत्ति अधिकार प्रदान करिबा यार लक्ष्य रही। सहरांचल भली ग्रामांचल रे ऋण और अन्यान्य आर्थिक सुविधा नेबा बेले संपत्ति को आर्थिक संपत्ति भावे व्यवहार करिबारे एही योजना मार्ग प्रशस्त करिबो। विरोध परे बदलिला गाइडलाइन बाहागर व्रतघर और शुद्धि क्रिया पई बीएमसी रो नुआ गाइडलाइन जारी। जेकोणसी समय रे सर्वाधिक 50 लोकों को अनुमति सेपटे महालया पई बिंदु सागर रे लागिला कटकणा। एही गाइडलाइन आसंता 31 तारीख पर्यंत बलबत्र रहिबो बोली बीएमसी पक्षरु कहा जायछि। सेहिपरि महालया श्राद्ध अवसर रे बिंदु सागर रे लागिला कटकणा। संक्रमण वृद्धि आशंका रहिपरु बिंदु सागर रे श्राद्ध कार्य ब्राह्मण भोजन इत्यादि बारण लगा जायछि। आज पवित्र महालया गत 15 दिन धरि पितृपक्ष चलिथिबा बेले आज हेउछि एही पक्षर अंतिम दिन। एक दिन में जो श्राद्ध व पिंडदान कराए से पितृपुरुषों पूर्ण प्राप्ति होता है बोली विश्वास रही। पितृपुरुष मान मृत्यु तिथि अनुसार यह 15 दिन मध्य श्राद्ध देवार परंपरा रही। प्रतिवर्ष पूरी श्रीमंदिर परंपरा देखा मिलता है। तेज कोरोना जो गत वर्ष श्रीमंदिर महालय श्राद्ध उपर बारण लगता बेले चलित वर्ष सामान स्थित देखा मिली। महालय अमावास्य भक्तों पर श्रीमंदिर बंद र भक्तों अत्यधिक गहली होगा संभावना को दृष्टि रखी श्रीमंदिर प्रशासन एभली निष्पत्ति जमापड़। आज महालय अवसर पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी भक्तों धवलमुखी बेश दर्शन देवे। चलित वर्ष कोविड कटका मानि भक्त मां धवलमुखी बेश दर्शन करें। सका 6 संध्या 7:30 पर्यंत दर्शन व्यवस्था हो मां बेश को दर्शन कले गंगा दर्शन लाभ मिलता है और पितृपुरुष शांति में रही था विश्वास रही। सेप्टेम्बर में गुलाब पर अक्टोबर मसने पुणि थे ओडिशा को आसपे आउ एक सामुद्रिक बात्या। एक बेसामरिक पाणीपाक संस्था एने आकलन करी अक्टोबर 14 बंगोपसगर में एक लघुचाप सृष्टि होगा बेले 17 तारीख में यह ओडिशा उपकूल अतिक्रम करेसरकारी पाणीपाक संस्था निज रिपोर्ट में दर्शाई। तेज भारतीय पाणीपाक विभाग पक्ष एने वर्तमान पर्यंत कौन सूचना मिलना। बॉलीवुड ड्रग पार्टी मामला गिरफ अभियुक्तों मध्यरे ओडिशार दुईज रही। ओडिशार मनीष उदयराज डायरा एवं अभिन दिननाथ साहू उभयों घर राउरकेलें बोली जमापड़ी। दुई ओडिया आज आउ 4 को गिरफ कला एनसीबी। मनीष ठार 2.4 ग्राम गंजे जबत होता नहीं कोर्ट को जनइला एनसीबी। भद्रक चांदबाली तेंतुलीडीह पंचायत कंडिया साहि दुर्घटना गैस लिक्रु अग्निकाण्ड घटी पोड़गले दंपति उभयों गुरुतर अवस्था भद्रक जिला मुख्य डाक्तखाना को स्थानांतरित कर स्वामी देहर निआ लगवा बेले उद्धार पर स्वामी पोड़ जाते। कटक जोब्रा नौवाणिज्य संग्रहालय सम्मुखें मर्मंतुत सड़क दुर्घटना जड़े बाइकारोही मृत होती। वर्तमान सुधा मृतकों परिचय मिल पारिनाई। घटनास्थल में मालगोदाम थाना पुलिस पहुंची शवक जबत करने व्यवच्छेद पठाई। नयागढ़ जिला खंडपड़ा भापुर रास्तार धड़ाबंध निकट में दुई बाइक मुहांमु धक्का। घटनास्थल में जनक मृत्यु होता बेले तीन जन बाइक आरोही गुरुतर होती। मृतक बोलगड़ थाना गबड़ी गांव बालकृष्ण सुबुधि। समस्त गुरुतर को भापुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर मृतदेह को व्यवच्छेद पठाइवा सह बाइक जबत कर तदंत कर पुलिस। बालेश्वर नीलगिरी पंचलिंगेश्वर शैव पीठ निकट में एक दोकान भितर 8 फुट लंबर अहिराज साप उद्धार हो। दोकान भितर रही साप को देख दोकानी भयभीत हो जाते। पर खबर पाई पंचलिंगेश्वर फॉरेस्ट गार्ड और कुलडीहा टूरिस्ट गाइड मनोरंजन दास सापटी को उद्धार कर देवगिरी पहाड़ में छाड़ी।
बलांगीर बंगमुंडा गायत्री मंदिर निकटरे कृषक उत्पादन कंपानी लिमिटेड द्वारा सौर चालित पृष्टि शस्य प्रक्रियाकरण केन्द्र को उद्घाटन कले जिलापाल चंचला राणा। एठारे विभिन्न प्रकार क्षुद्र शस्य प्रक्रियाकरण कराजिबो बोली जिलापाल कहिसेंति। एही अंचलरे एहा प्रथम होइतिबारु चासी माने सुविधा पाइपारिबे। उद्घाटनी उत्सव में टिटलागड़ उपजिलापाल बंगमुंडा बीडीओ तहसीलदार प्रमुख उपस्थित थिले। पदार्थ विज्ञान पर नोबेल पुरस्कार घोषणा, तीनि जना पदार्थ विज्ञानी को मिलित भावे एही सम्मान दिया। वैज्ञानिक सिकुर मानव, क्लाउस हाउसमैन एवं जॉर्जियो पेरिस को ना एही पुरस्कार पर घोषणा होई। कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को बुझिबारे तीनि जन को अवदान पर एही सम्मान प्रदान करा जिवो। उत्तर प्रदेश वासी को प्रधानमंत्री मोदी बड़ भेटी, स्मार्ट सिटी मिशन एवं अमृत अधीन उत्तर प्रदेश 75 शहरी विकास प्रकल्प उद्घाटन करिसेंती। डिजिटल माध्यम रे यूपी 75 जिले में 75,000 हिताधिकारी सहरांचल प्रधानमंत्री आवास योजन घर चाबी प्रदान करिसेंती मोदी। यहसह हिताधिकारी कथा होइछेंती प्रधानमंत्री। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला लिया है, 10 लाख रुपए तक की राशि के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को 2% की छूट भी दी जा रही है। खजुरीपड़ा थाना आईआईसी रमाकांत पात्र निलंबित कले डीजीपी। कंधमाल जिला खजुरीपड़ा थाना आईआईसी गत रविवार तारीख संध्या समय हाट पाई आसिथिबा व्यवसायी को माड़ मारिथिले। एहासह ठेला गाड़ी गरम तेल फिंगी देइथिले आईआईसी, जहाँ को तीव्र विरोध करिबा सह कार्यानुष्ठान दाबी करिथिले अंचलवासी। राजधानी में पुणी दुई तथा तथित वेब चैनल सांबादिक गिरफ ऋण पैसा फेरस्त करने को देउथिले धमक। मृतकों परिवार लोकों देउथिले धमक, ऋण देइथिबा लोकों ठारु टंका नै धार नेइथिबा लोकों देउथिले धमक। मंचेश्वर थाना पुलिस दुई जनों को गिरफ्त करी। बरगढ़ हाजत मृत्यु घटन बहुजन समाज पार्टी पक्षर् धारणा और विक्षोभ प्रदर्शन कर मृत गोविंद कुंभारों पर न्याय प्रदान दाबी बरगढ़ एसपी कार्यालय आगे विक्षोभ कर मृतकों पर क्षतिपूरण देवा दावी पर 50 लाख क्षतिपूरण सह मामलार निरपेक्ष तदंत सीबीआई को मामला हस्तांतर करने को दावी रखी बहुजन समाज पार्टी। पांच दफा दाबी नहीं कि बस प्रथम दफा है जे जो पुलिस मैंने संपृक्त अच्छा से नाम 302 दफा लागू कर तुरंत से अरेस्ट कर दुई नंबर है जे गोविंद कुमार विधवा पत्नी को सरकारी चाकरी व्यवस्था कर तीन नंबर है जे उक्त घटना को निरपेक्ष तदंत ओडिशा सरकार एक केस टी सीबीआई को हस्तांतर करंतु। हीराकुद थाना भितरे युवक आत्महत्या उद्यम घटना, धमक देइथिबा पुलिस विरुद्ध कार्यानुष्ठान दाबी कले स्थानीय लोके। धमक देउथिबा पुलिस को तुरंत गिरफ करा जाउ बोली दाबी करी हीराकुद थाना सम्मुखरे धारणा देइछंती शताधिक महिला और पुरुष। पिंटू बहादुर नामक जने युवक फिनाइल पी आत्महत्या उद्यम करिथिले। थानार जने पुलिस कर्मचारी तांकु एनकाउंटर पई धमक देइथिबा अभियोग होइछि। प्लॉट आरे जाइथिले बेले से आमर तो प्लॉट एबे जागा मिलिछे सेटे जाइथिले बेले हठात पिला माने आसले आसिकि ताकू कहले कि तो तांकर काण हेइछे हठात आसिकिरि तांकर भाई गोटे थिले हेन से भाई के पचारे काण तू बाबू इडे कहीं आसीच्छू बोल के हेतक पचारे छे हठात तांके अटैक करिकिरि इड़े से पिला पिटापुटी करके हठात उठे नहीं गले नहीं जाकर टांकी पड़ा नहीं करी पिटा मरा रोड हत्या छुरी चकू सब देखेज देखे सारा नेला सार मैंने नहीं जा पुलिस सार मैंने जिते बन गला आम जानलू कि आम पुह को लेकिन जाइन कहीकि आम मेडिकल गलु मेडिकल गला भी ट्रीटमेंट कले
ट्रीटमेंट कर सारापर भी भलसे ट्रीटमेंट नाई कले कि 24 घंटा हीरा 216 पुलिस फांडी दायित्व में रहिबे सब इंस्पेक्टर ए संपर्कीय प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अनुमोदन करिछंती। पूर्वरु सहकारी सब इंस्पेक्टर माने फांडी दायित्व में रहुथिले। कमिश्नरेट पुलिस ठारु आरंभ करी विभिन्न जिला पुलिस और रेलवे पुलिस द्वारा परिचालित पुलिस फांडी मानकरे सब इंस्पेक्टर मानकु नियुक्ति दियाजिबो। सब इंस्पेक्टर मानक तालीम और अपराध अनुसंधान रे सेमानक दक्षता फांडी स्तर रे अपराध नियंत्रण रे विशेष सहायक हेबो बोली आशा रहिछि। राजधानी वज्रकाप्ता काती जबत चोरा चालाण बेले काती जबत कला क्राइमब्रांच एसटीएफ। वज्रकाप्ता काती बिक्री नहीं पार्क रे डील चलता बेले माड़ी बसला एसटीएफ। मामलार जण को गिरफ्त करी तदंत करुछि क्राइमब्रांच। रास्ता खराब जगू अधारे अटकिला आंबुलांस। रोगी को खटिया बोहिले ड्राइवर और फार्मासीस्ट। बरगढ़ जिला पद्मपुर में पुणी सामना को आसला आंबुलांस कर्मचारी महानियता। रोगी को खतिया प्राय एक किलोमीटर बोही आंबुलांस पाखक ने आंबुलांस कर्मचारी। पद्मपुर स्थित पाइकमाल कांसडा पंचायत नुहरीपड़ा ग्रामर सुभाषिनी पाइकों देह हठात असुस्थ होवारु परिवार लोके 108 आंबुलांस को जोगाजोग करते डाक्तरखाना को नेबा पई आंबुलांस आसीथिला। हेले रास्तार अवस्था अति शोचनीय थिबारु आंबुलांस घर पाखक आसी पारिनथिला। फळरे आंबुलांस ड्राइवर फार्मासिस्ट रोगी को बोही नेथिले। दलय भितरे काम करुछि बालेश्वर पुलिस अभियुक्तों विरोध में कार्यानुष्ठान बदल पीड़ितों सहदेव खुंटा पुलिस दुर्व्यवहार करुथबा अभियोग होईछि। फुलाड़ी निकटरे बुढ़ा बलंग नदी उपरे निर्मित होउथबा पोलरे चारिजण मद पीउथबा बेले जगुआली भावे कार्य करुथबा विद्याधर दास विरोध करथिले जहाकु नै निजकु बीजेडी युव सभापति परिचय दे कालिया नामक जणे व्यक्ति तांकु आक्रमण करथिला। एनी थाना रे अभियोग करथिले पीड़ितंक पत्नी। तबे घटना को 12 दिन बीती जाइथिले सुधा पुलिस अभियुक्त को सुरक्षा देउथबा अभियोग होईछि। पुलिस दलय भितरे कार्य को विरोध करी आज दिन 10 सहदेव खुंटा आदर्श थाना घेराव करिबो बीजेपी। एबे बहुत गुरुतर से कांदु जोंदी काली तार ऑपरेशन जाइछे बहुत एबे भी सुधा चालंतु से कांदु जी बहुत कांदु। मनोरंजन दास मिथुन दास मानू मानस कुमार दास बाबू दास हाँ दलर बीजेडी कर्मी से माने तो हेगलानी 12 दिन हेगलानी से बहुत कष्ट पाउछन्ती। तांको नारे 307 दफा लगे दीचन्ती मु जे माने केसटा देली मो केस रो 341 तांको उपरे माने अलग टाइप रे केस लगेइचन्ती। मो न्याय दरकार मो स्वामी के न्याय मिलिया दरकार। चंदनपुर बैंक ऑफ इंडिया शाखारु जणे ग्राहक टंका उठाई फिरुथबा बेले लूट। टंका ब्याग को झांपी नेले दुई लुटेरा बज्रबंधु सामंतराय नामक जणे व्यक्ति पूरी चंदनपुर बैंक ऑफ इंडिया शाखारु 4 लाख टंका उठाई घर को फेरुथबा बेले लुटर शिकार होइछंती। पछपटु एक होंडा यूनिकॉर्न गाड़ी रे दुई लुटेरा आसी टंका ब्याग को छड़े नेथिबा अभियोग होइछि। एनी चंदनपुर थाना रे एक लिखित अभियोग करा जैछि। बंदूक डील चलता बेले रेड कला पुलिस। कटक रे बंदूक डील होता बेले बादामबाड़ी पुलिस चढ़ाउ करथिला। घटनास्थल 4 को गिरफ्त करिछि पुलिस। सेमानक थारु 3 बंदूक सह 16 जीवंत गुली जबत करा जाइछि। अभियुक्त मानक मध्यरे जणे आल्बम निर्देशक रहितबा जणा पडिछि। एनी प्रेस मीट रे कटक डीसीपी सूचना देछंती। इलीगल एक्टिविटीज करिया पई एमाने ये बंदूक प्रोक्योर करथिले आ लोक भितरे एरिया रे भय सृष्टि करिया पई और दादागिरी करियो पई ये माने ये बंदूक आनथिले और ये 3 बंदूक ये मनो पकरु सीजर करा जाई छी और पप्पू पकरु किछि एमुनिशन मदे सीजर करा जाई छी। ये मनो को गोटे आर्म्स एक्ट पेश करी की बादामबाड़ी पुलिस फॉरवर्ड करू छी। ये मनो एंटीसिडेंट विभिन्न अपराधिक मामला रे छंदी होइतिबा कुख्यात गैंगस्टर सुशील एवं सुशांत धड़सामंत कटक निम्न अदालत रे हाजर होती। जिला जज कोर्ट रे थिबा मामलार सुनानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे करा जिबा को निष्पत्ति करा जाउथबारु ताको विरोध करिछंती डी ब्रदर्स को वकील। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम रे सुनानी करा गले ताहा सठिक भावे होई पारिबो नाही बोली कोर्ट को कहिछंती धड़सामंत भाई वकील सौरचंद्र महापात्र। जिला जज जो केस थिला से माने मुख्य तंको प्रड्यूस करथिले जे भिसी रे करिवे कि नाही ट्रायल। आमे भिसी रे करिवे को ऑब्जेक्शन करथु जे फेयर ट्रायल हबनी आ आमे इंस्ट्रक्शन पाई परिबुनी
आउ अन्य जो केस गुड़ाक थिला फास्ट एडिजन को कोर्ट थिला एसीजेम को कोर्ट थिला आउ मजिस्ट्रेट को कोर्ट से साक्षी सब हवा कथा आउ से मान को पुनी तांगो जोठी आस्तले सेठ की रिमांड कर देबे से रहिबे विभिन्न डेट रही छै से छुट्टी पर हबो त बटन हो छै से मान कोर्ट चाहुन तांको आउ आनिबे नि प्रोड्यूस करिवनि साक्षी चली बोली आमे सेटा को ऑब्जेक्शन कर छै से नै ए पर्यंत से ऑर्डर हेइनि आमरो ऑब्जेक्शन टा आमे एयर रेज कर छै कोर्ट जा शपथ नेइछन्ती पिपिलीर नवनिर्वाचित विधायक रुद्र प्रताप महारथी विधानसभा रे काली तांकु पद ओ गोपनीयतार शपथपाठ कराइथिले बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र स्वर्गत प्रदीप महारथीक मृत्यु परे खाली पड़ा पिपिली आसन को दखल करिछन्ती तांको पुओ रुद्र प्राप महारथी शपथ नहीं सारिबा परे अंचलर विकास मोर प्रथम लक्ष्य बोली कहिछन्ती रुद्र विभिन्न दाबी नहीं बीजेपी पक्षर जमनकिरा ब्लक मंडेनपाली और खरसनमल पंचायत घेराव आवास योजन व्यापक दुर्नीति उचित हिताधिकारी घर जगैदे जंगल जमी पट्टा प्रदान करने भूमिहीन मान चारि डिसमिल पट्टा प्रदान करने दावी करजेपी सहित सरकार आदिवासी विभिन्न योजना करोजना कार्यकारी होजेपी अभोग कर प्रधानमंत्री आवास योजना जो दुर्नीति एटा घेराव होता और 8 लाख रु ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना आसी जोन दिल्ली रु और एटा आमर पश्चिम ओडिशा रे गुटे भी नहीं बाकी अलग जिले रे से माने देई छन एटा पई मोर आमर आंदोलन अछि और मु आशा करू छी अपन माध्यम रे के एटा ये सरकार स्टेट गवर्नमेंट एटा पश्चिम ओडिशा को ये प्रधानमंत्री आवास योजना देबे देखंत तो प्रधानमंत्री आवास योजना रे ओडिशार सरकार जो प्रकार कार्य करूछि ए प्रकार नजीर पुचिंदा कन्स्टिट्युएन्सी घाटी तल मुढ़ेनपाली और खरसनमाल ग्राम पंचायत जना पड़ी जहाँ प्रधानमंत्री आवास रे घर न होते भी सेठी गोटे विजु पक्का घर सिलट लगे से प्रकार सिलट आज आम मुढ़ेनपाली ग्राम पंचायत आम लोक देखु द्वितीय कथा जड़े माँ से उल्लेख कले जे से माँ उल्लेख कले मु 20,000 टंका देछि किंतु मते घर मिलला ने जे 20,000 टंका नै जाउ बारिपदा रे वन्यप्राणी कर्मशाला आयोजित होइ जाय छि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर थारु 8 अक्टूबर पर्यंत वन्य जंतु सुरक्षा सप्ताह पालन करा जाय थाए ए सप्ताह रे वन्य जंतु संरक्षण सह जंगल सुरक्षा उपरे लोकंकु विशेषज्ञ माने परामर्श देबा पई कर्मशाला मान आयोजन करथांती ए परिपेक्षी रे मयूरभंज जिल्लार बारिपदा डीएफओ ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल ठारे संग्रामी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान पक्षर 67तम वन्यप्राणी सप्ताह पालन करा जाउछि आजिका कार्यक्रम अच्छी आम सब ग्रामर भिएसएस कमिटी मेम्बर आसीचु गाँ मुखिया माझी आराम जो मैंने आमर जंगल केमती निरी रक्षा पाव जीव जंतु आदिवासी लोक बहुत आम शिकार करूँ किंतु आज आम शिक्षा पाइलु जे आम उपकार कर जंगल आम को उपकार करे केवे आम जंगल को नष्ट करिबा नाही स्वागत बलांगीर सहर रे हरियाणा लुटेरा विभिन्न एटीएम निकट रे लुची रही लोकों ठारु करुथले लूट तीनी लुटेरा को गोड़ाई गोड़ाई धरला बलांगीर टाउन थाना पुलिस गिरफ अभियुक्त निकट रु अनेक एटीएम कार्ड जबत कर आसंता 7 तारीख रे पूरी ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली गस्त करिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना अंतर्गत स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटनर शुभारंभ करिबे मुख्यमंत्री गस्त पर जिला प्रशासन पक्ष व्यापक प्रस्तुति चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम विजु स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना शुभारंभ पूरी रे प्रोग्राम ब्रह्मगिरी ब्लॉक रे और अलग अलग प्रोजेक्ट जो जिला रे रूरल एरिया अर्बन एरिया रे चली छि तार इनॉग्रेशन भी होबो और फाउंडेशन स्टोन भी दिया जिवो आमे ता छड़ा प्रत्येक ब्लॉक रे भी प्रोग्राम करू छु जेतु एटा गुटे बहुत इंपोर्टेंट और पब्लिक इंटरेस्ट रे स्कीम रहु छि आमे सब प्रकार अरेंजमेंट पब्लिक को सुविधा अभाव रे ए कार्ड पहुंचावे पई व्यवस्था लक्षाधिक टंकार धला जहर जबत सह दुई जण गिरफ खोर्धा बालुगा अबकारी विभाग पक्षरु सरल सिंह गेट निकटरु दुई जण धला जहर व्यवसायी को गिरफ करा जायछि सेमानक निकटरु लक्षाधिक टंकार धला जहर जबत करिछि अबकारी टीम गिरफ अभियुक्त दुई जण खोर्धा जिला बालुगा थाना इलाका गांधीनगर साहिर बादल राम एवं कर्णजाली बोली जणा पडिछि।
ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦାବିରେ କଲେଜ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜା ଖଲିକୋଟସ୍ଥିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦରାଜ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦାବିରେ କଲେଜ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆରଏମ୍ସି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚେକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁଦିନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ରୁ 250 ଲିଟର ମଦ ଜବତ। କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଛକ ମାଛ ହାଟ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହ 200 ବୋତଲରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଓ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମନରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାମାନେ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଦୁର୍ନୀତିର କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଧଳପୁର ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ସେତୁରେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବଳକା ଟଙ୍କା ଏଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦେଉନି। ଏନେଇ 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକକଳା ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡକଟାଠାରେ ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସହିତ ଲୋକକଳା ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗନ୍ତିଆ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆକାଶବାଣୀ କଳାକାର ସୁରତ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସତ୍ୟସାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ସୋଲେଇ ଗାଁର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଚକ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଗେଟ୍ ଗଳିକି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। କଟକ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରିସରରେ ଏହି ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କ ସହ ଏହି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସଠୁ ସେବା ସମର୍ପଣ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବିଜେପି ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଶିଖରପୁର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠରେ ଶାରଦୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ମା'ଙ୍କର ଏହି ଷୋଳ ପୂଜା ଯଥାବିଧି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନାରେ ମା'ଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା। ମଙ୍ଗଳବାର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗରର 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହକର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଲାସୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।